मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ पावर कॉर्पोरेशन के मेरठ रूरल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर देवेंद्र पचौरिया को आज 2 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की यह राशि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना व एनसीआर के ट्रांसपोर्टेशन को पंख देने वाली रैपिड रेल की विद्युत लाइन को शिफ्ट करने संबंधी रूट मैप देने की एवज में मांगी गई थी। आरोप है कि करीब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस कार्य के लिए 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। कंपनी ने आज 2 लाख रुपए दिए, जिस पर विजिलेंस टीम ने देवेंद्र पचौरिया को गिरफ्तार कर लिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन थाने लाया गया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की यह गिरफ्तारी आज दोपहर विजिलेंस विभाग द्वारा की गई। मीडिया के सामने लाए गए देवेंद्र पचौरिया ने दबी जुबान में कहा कि उसने कोई रिश्वत नहीं ली है। इस बारे में कंपनी के MD कुलबीर सहनी ने यह जानकारी दी। मेरे पास मुरादनगर से लेके मोदीपुरम तक सारा मेरे पास शिफ्टिंग लाइन्स का NCRTC का कॉन्ट्रैक्ट है जी, जो कि इतना ही प्रेस्टीजियस वर्क है। इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द वर्क है। ये दोनों प्रोजेक्ट स्टेट का भी पैसा है और सेंटर का भी पड़ता है जी। हमारे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें कुछ अच्छे कर्मचारी भी हैं, कुछ क्रिमिनल में कुछ होते हैं, एक दो होते हैं। मोदी नगर मुरादनगर हमने पूरा कंप्लीट किया, मोदी नगर हमने टोटली कंप्लीट किया, शताब्दी नगर भी हम कंप्लीट कर चुके थे, मेरठ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोदीपुरम भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो अधिकारी हैं ये 2-3 महीने पहले यहाँ पर आए हैं। ठीक है, 2-3 महीने पहले आए हैं, तो इन्होंने हमसे पहले तो मेरे इंजीनियर्स को बुलाते रहे कि अपने MD साहब का नंबर दो। किसी ने भी नंबर नहीं दिया। इनको पता नहीं कैसे पता लग गया, इन्होंने मिलना चाहते मिलने आए सीधी कर आए मुझे एक मेरे से सीधा 12 लाख की डिमांड करने लगी। 12 लाख रुपये 12 लाख रुपये मांगे मैंने। कहा भाई साहब किस चीज़ के? कहते जी जो आपके हैंडिंग ओवर के कागज़ पड़े हैं ये तब हैंड ओवर होंगे जब मुझे 12 लाख रुपये देंगे। 2 लाख मैंने को आज दे दिए। रैपिड रेल का काम रैपिड रेल और इनके कारण इसके बीच में ये महीना 1.5 महीना हमें तंग करते रहे, शटडाउन नहीं दिए, उसका जो हमने हैंडिंग ओवर का इनको एक कागज देना होता है, ड्राइंग हैंडिंग ओवर देनी होती है, रूट मैप इनको हैंड ओवर करना होता है, रूट मैप हैंड ओवर करता है कि हमने यहाँ केबल्स ले करी है और कुछ नहीं होता। फिर आपने किससे कंप्लेंट की और किस तरीके से पकड़े गए? हमने कंप्लेंट हमने अप्रोच किया जी अपने विजिलेंस के अधिकारियों को, और क्या कर सकते थे। तो जो 12 लाख रुपए की डिमांड आपसे कर रहे थे, तो वो वर्क कितने का था जो जिसके बदले 12 लाख मांग रहे थे आप? ये मेरा जी 19 करोड़ का काम था जी, शताब्दी नगर। पूरा 19 करोड़ का काम आप पूरा कर चुके? बिल्कुल कर चुके। अच्छा, कितना लेट हुआ इनकी वजह से आपका? अब आप ये देख लीजिए, कब कुछ पार्ट में शटडाउन नहीं दे रहे हैं जी, कुछ शटडाउन नहीं दे रहे आप। ये बाकी तो अधिकारी बताएंगे जी, NCRTC के अधिकारी बताएंगे कितना उनका नुकसान हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। मोदी मेरठ में भी काफी नुकसान हो रहा है, वो जो कॉरिडोर नहीं बन पा रहा ना उनका, कॉरिडोर नहीं पा रहा। रैपिड रेल कितना लेट हुआ इनकी वजह से? हाँ जी, मैंने दे दिए, इनके से पकड़े दिए। तो PVNL के जो MD थे उनसे शिकायत नहीं की आपने? मैं उनसे नहीं कर सकता था जी, मैं तो मेरा तो देखो PVNL से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।